हेलो सर, सूर्या नाम से कोई मिलने आई है। जी, अंदर भेज दीजिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। आइए बैठिए। यस मिस सूर्या, मैंने ही आपको फोन किया था। बताइए मिस सूर्या, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? डॉक्टर, आज देश में हर तरफ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा है, लेकिन तब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटा और बेटी में फर्क करते हैं और बेटी को कोख के अंदर ही मारने की साजिश रच रहे हैं। हाँ जी, कल मेरे पास एक आदमी आया था। मैं भी उन्हीं के बारे में बात कर रही हूँ। उनका नाम शेरा है। आप जानती हैं उसे? जी, और उनके उनके सारे गलत कामों को भी। इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ डॉक्टर, ताकि उनके खिलाफ कोई एक सबूत भी मिल जाए ना, तो उसको मैं सलाखों के पीछे देखना चाहती हूँ। लेकिन वो तो कह रहा था कि उसका ससुर डीआईजी है। आपको बहुत प्रॉब्लम फेस हो रही होगी। जी, लेकिन डीआईजी अंकल ये नहीं जानते कि उनका दामाद उन्हीं की बेटी की कोख में पल रहे बच्चे को मारने की साजिश कर रहा है। डॉक्टर, मुझे आपसे सिर्फ एक मदद चाहिए। क्या आप उसके खिलाफ पुलिस को बयान दे सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। ये हम लोगों की सामाजिक जिम्मेदारी भी है। हालांकि उसने बहुत जिद की, यहां तक कि मुझे जान से मारने की धमकी भी दी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। मैंने उस बच्चे का जेंडर चेक करने से मना कर दिया। और यही बात तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहती हूँ डॉक्टर, कि आज भी ऐसे लोग हैं जो शेरा जैसे लोगों के खिलाफ खड़े होकर अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हैं। मैंने तो वही किया जो सही था। तो डॉक्टर, प्लीज प्लीज एक और सही काम करने के लिए मेरी मदद कीजिए ना। बयान के साथ साथ मैं आपको सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी दे दूंगा, जिससे आपका केस और भी सॉलिड हो जाएगा। क्या फुटेज? हमारी पूरी लैब कैमरा सर्विलेंस पर है। डॉक्टर, क्या मुझे ये फुटेज मिल सकता है प्लीज? ऑफ कोर्स, आई थिंक ये फुटेज मेरे स्टेटमेंट से ज्यादा पावरफुल होगा और आपका केस और सॉलिड हो जाएगा। पुलिस को विजुअल एविडेंस भी मिल जाएगा। जी प्लीज, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स नहीं सूर्या, तुम जैसी लड़कियों की इस देश को जरूरत है जो अपने जेंडर के लिए फाइट कर सके। मैं आपको अभी सीसीटीवी कैमरा फुटेज दे देता हूँ। थैंक यू सो मच डॉक्टर। तो किसी की भी बातों से बहुत